दो खुशी है, अब मम्मी ने भी खाना भेजा है, मतलब मैं 9 महीने बाद, लिटरली 9 महीने बाद मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा। और मेरा दोस्त जो भाई बचपन का दोस्त है वो भी लंदन आ गया है, व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों कई दिनों बाद आपके साथ आ गया हूँ मैं, और अब हमेशा आऊँगा, खुश हो जाओ। अब टेक ओवर मैंने कर लिया वापस चैनल, ठीक है, जो आपका मेन होस्ट है। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित कुमार, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो जैसे कि आपने टाइटल या थंबनेल देख लिया होगा, एक्चुअली क्या दी थे भाई, आपको पता है मेरे खास सारे दोस्त खास होते हैं, पर कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं। उनमें से एक बंदा है सिकंदर मलिक, और वो यहाँ आ गया है, ठीक है, लंदन आ गया है। तो आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, और मम्मी ने उसके साथ ना टिफ़िन भेजा है, और भाई 9-10 महीने हो गए मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया था, तो आज वो खाऊंगा। तो मम्मी ने सब्जी भेजी है मेरी फेवरेट, भिंडी की। तो बस हीथरो जाना है, तो मैं यहाँ पे ट्यूब स्टेशन पे आया हूँ, और यहाँ से चलेंगे हीथरो वाली साइड, और भाई का स्वागत करेंगे। पहला दिन है लोंडे का भाई मेरे लिए, तो मेरा एक दोस्त है अंकित, वो भी खास बंदा है अपना, वो आगे खड़ा था, ठीक है, पर उसके लिए मैं खड़ा हूँ आगे। तो यार यही बहुत है, यही परिवार है, हम ही परिवार है एक दूसरे का, दूसरी धरती पे तो भाई हम ही परिवार है एक दूसरे का, भाई यही है, वो मेरा परिवार, मैं उसका, हम चल रहे सारों का। और आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे इस बात से, क्योंकि यहाँ ना रिश्तेदार काम नहीं आते, यहाँ दोस्त काम आ जाते हैं, ठीक है, तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई साहब बस अपना वेट करते हैं। एक्चुअली क्या सीन, जैसे आपने देखा ना टर्मिनल 2, 3 और 5 ही थ्रो लिखा हुआ है इसके ऊपर, पर मुझे जाना है टर्मिनल 4 पे। सो अलग अलग ट्रेन आती है इसकी, तो आने वाली है। और यहाँ पे जो मेट्रो को बोलते हैं ना आप, अपने दिल्ली में मेट्रो बोलते हैं, इसको यहाँ अंडरग्राउंड बोलते हैं। तो ये अंडरग्राउंड, बात ये ऐसी बात है कि अंडरग्राउंड बोलते हैं, हालांकि ये अंडरग्राउंड नहीं है अभी, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे है, क्योंकि ये सड़क है इसके ऊपर है, पर ये अंडरग्राउंड जाती है। जैसे अब ये हांसलो ईस्ट में फर्स्ट फ्लोर पे है, सेंट्रल में भी फर्स्ट पे होगी, और जो वेस्ट होगा उसमें अंडरग्राउंड चली जाएगी। और ऐसे ये जोन वन में लंदन वाली साइड, उस साइड, जैसे लंदन ना 5-6 जोन में है शायद, हाँ 6 जोन में, तो ना जोन बटे हुए हैं, तो जो सेंट्रल लंदन आता है ना वो जोन वन में आता है। तो जोन वन में ऑलमोस्ट सारी ट्रेन जितनी भी है ना, ये मेट्रो अंडरग्राउंड, ये सारी अंडरग्राउंड चलती है, तो इस वजह से इनका नाम अंडरग्राउंड है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये सीन है भाई, और बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने शुरुआत कर दी है सिस्टम की, तो धीरे धीरे आपको और सरप्राइज मिलेंगे, स्वाद लो जिंदगी के। आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको लेके आते हैं भाई को। स्वाद स्वाद में एक गलती कर रही, पता है क्या, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ ना, मेरी गलती भी नहीं है, आदत हुई हुई है, इस साइड क्या सीन था, इस साइड से जाती है जोन वन की तरफ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जोन वन में है, और मैं इधर आ गया और मुझे जाना उस साइड। और अभी मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाया कि वो ट्रेन जा रही है, और फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया कि सूत्र वो ट्रेन तो इथरो जा रही है और वो उस साइड है, तो मैं उस साइड जाने लग रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, चलो अब उस साइड जाऊँगा, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, कोई नहीं आ गई है। अब इसमें ज़्यादातर बंदे वो बैठे हैं जो इथरो जा रहे हैं, यहाँ की भी आप ट्यूब देख लो, दिल्ली वाली ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा नहीं है तो मतलब कि दिल्ली वाली, यहाँ पे भी कई सारी ऐसी लाइन है जो बहुत सुंदर है, मतलब एलिजाबेथ लाइन वगैरह है तो वो बहुत सुंदर है, पर ये वाली जो लाइन है ना, ये पिकार्डली लाइन है, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट में आती है, मतलब कि ये शायद सेकेंड लाइन थी, इस वजह से थोड़ी पुरानी सी है। दोस्तों पहुँच गए हैं, वहाँ से ट्यूब से उतरा हूँ मैं, और अपने यहाँ आगे गए, यहाँ से लेफ्ट अराइवल्स हैं, तो वहाँ जाएंगे और वेट करेंगे भाई का। 8 बजे और उसके 8:25 पे था शायद, और मेरी फ़्लाइट भी 1 घंटा पहले आ गई थी, इस चक्कर में मैं आ गया हूँ, तो क्या पता वो आया होगा, बाकी वो वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे कॉल कर लेगा मुझे वाईफाई कनेक्ट करके। चलते पहुँचते आते ही आपको दिखाता हूँ मैं। ओ भाई दोस्तों छोरा आने वाला है, आने वाला है भाई, मैं थोड़ी मेरी हरियाणवी निकल जाती है प्रेम प्यार में, बाकी बढ़िया मैं शुद्ध हिंदी बोल सकता हूँ और शुद्ध इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, पर प्रेम प्यार में निकल ही जाती है हरियाणवी। देखो आने वाला है छोरा, आ लिया है, आ जा
वेलकम वेलकम छोरे। शर्मा रहा है भाई, शर्मा रहा है। आ गया छोरा। वेट कम, वेट वेट ले चक्कर हो। और सब सही रहा सफर सुफर? आंटी अंकल को क्या बोलेगा? सही पहुंच गया आंटी, है देख लो सही सलामत। एक मिनट दिखाइए। सही सलामत आ गया छोरा आपका, आगे अपना ध्यान रखेंगे, आपका दूसरा बेटा ध्यान रखेंगे। कोई नहीं, टेंशन ना लियो बिल्कुल भी। चलो भाई घर आ, चला कट जाओ। है ना ना जा, ना 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 जा, ना 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 जा, आ जा। मैं तेरे अंडरग्राउंड में लेके जाऊंगा, बस हमें तक के नहीं हुआ अंदा भाई ने। कोवेंट्री अभी रहा, कितना किराया है? हाँ मैं 30-40 पाउंड लाग दूँ टैक्सी के। हाँ है स्लॉट मोर देन 30-40। किसको बोले? इमिग्रेशन वाले को। अरे पता क्या, just take a hotel and go tomorrow, it will be better for you rather taking a taxi. iska message aayega ki main pahunch gaya. main kaha bhai immigration mein puchhenge ye ki kahan rehte hai, kahan nahi, kya scene hai. aaj mujhe aaya to maine isko kaha tha ki bhai tu bata diyo iski Coventry university na, to keh diyo main Coventry university aur main taxi leke chala jaunga. kahi yun kahegi main yaar rukunga, bas cheez puchhenge isse acha yun hi hai ki keh de main chala jaunga. तो इसने कहा कि वो उस पर कितने की टैक्सी होगी पता है? इसने कहा होगी 30-20 पाउंड की। फिर उसने ये बात कही कि नहीं तू पहले लंबा रास्ता है, तू यहाँ होटल ले ले और फिर कल के चला लेंगे। चलो इमिग्रेशन आसानी से होगी। यार मम्मी ने जो सब्जी बनाई थी ना, जिया बनाई थी मेरे लिए, कुछ भेजा था, पर यार उसमें से भिंडी तो खराब होगी। ये चेक इन में था दिल्ली में, तब देखा इसमें खराब होगी। अब करेले रह रहे हैं, भगवान करे वो खराब ना हो। तो गलत बात हो जाएगी यार, मम्मी ने बहुत मेहनत से भेजी थी। मेहनत तो किया था यार, प्यार से भेजी थी। मेहनत भी है यार, अब खुद बनाता हूँ तब पता चलता है। ठीक है भाई, वो तो ठीक आ रही है। ठीक तो बैक कैमरा बटन कुछ भी सही है। मम्मी पहुंच गई फाइनली, चलो करेले तो पहुंच गए। ठीक है यार, बाकी टेस्ट करके देखता हूँ मैं। भिंडी तो मीठी हो गई थी, टेस्ट करके देखते। ठीक है, क्योंकि स्मेल सही है बिल्कुल। मैं मीठा सी आ रहा फ्रेंड जी, सही है। पहुंच गए मम्मी को। क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये खाता हूँ फिर भी लगता हूँ। रिकवर भी आए हैं, मिठाई भी ले आ रहे। ये अलग दर्द बाहर कर ली थी, मिठाई ले आए। मिठाई ले आया बस। ये भाई मैंने इससे मंगाए थे मेरे फ़ोन के गार्ड गुर्ड और ये चीज़ें। ये कवर है, लेदर वाला है ये वाला, देख ले कौन सा। यहाँ पे ना बहुत महंगे मिलते हैं यार, जो मैंने लेदर का यहाँ से मंगवाया ना, ये यहाँ पे 40-50 पाउंड का है और इंडिया से ये 1000 रुपये का आ गया। मतलब मानता हूँ इंडिया से भी ये बहुत महंगा ले है, पर अच्छी क्वालिटी वाला 1000 रुपये का है। ये तो इंडिया में 100-150 रुपये में मिल जाते हैं, पर वो नहीं चाहिए था, अच्छी क्वालिटी चाहिए थी। तो जो यहाँ 40-50 पाउंड का था, वो मेरे को इंडिया से 1000 पाउंड का पड़ गया, ऑलमोस्ट मान लो 10 पाउंड का। ये मिल जाते हैं यहाँ पर मैंने मंगा लिया। मम्मी ये है भाई, वो लेदर वाला। तो मतलब मैंने दो कवर मंगाए अच्छी क्वालिटी के। दोस्तों इस क्लिप के बाद से ना बहुत सारी चीजें बदल गई है, पर आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं पॉइंट मतलब एक एक करके चीजें बताऊंगा, जैसे कि व्लॉग्स में आएगी। सो मैं थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। उस टाइम मैं लंदन में था, पर अब मैं लंदन में नहीं हूँ, अब मैं डर्बी में हूँ। सो ये इंग्लैंड में ही है। मैं क्यों मूव हो गया हूँ, मैंने जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उनको पता भी चल गया होगा, मैंने कुछ नई चीजें भी ली हैं, कुछ नई चीजें भी ली है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ली है नई चीज, और क्या मतलब बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत सारी चीजें हैं मतलब कि होगी है अपने साथ, अच्छा हुआ है, अपनी मेहनत रंग लाई है। आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा। हाँ ये वाला मेरा जो घर है, ये अब मेरे, मैं डर्बी में रहता हूँ, ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट कह सकते हो आप, यहाँ मैं और सिकंदर साथ में ही है। सो बहुत सारी चीजें हैं, व्लॉग्स को
ये सारी चीज आपको ना व्लॉग्स में पता चलेगी। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक के पे देख रहे हो तो अपने पेज को लाइक कर दो, ठीक है भाई। और भाई अब मैं ना शॉर्ट्स वगैरह भी डाल रहा हूँ तो उनको भी लाइक कर लेना, जल्दी से बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।